Good morning, class 5th. Hope all are you doing well at your home. Now it's your English class time and we will start your third chapter, The Secret Garden. Open page number 20. Here is your third chapter, The Secret Garden. What is the meaning of Secret Garden? Basically, Secret Garden means which is secret to others. ऐसा बगीचा जो किसी ने नहीं देखा फर्स्टली हेयर वी चेक द सम नेम्स एंड सम करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी फर्स्ट इज मैरी अ यंग गर्ल हु कम्स टू स्टे एट मिसल मैनर सब मैरी कौन है एक जवान लड़की है जो मिसल वेत मैनर में रहने आई है मिसल वेत मैनर क्या है एक जगह का नाम है नेक्स्ट इज मिस्टर क्वेवन द ओनर ऑफ मिसल्वेत मैनर जो मिसल्वेत मैनर के जो हैं ओनर हैं जो मालिक हैं उसके मार्था मार्था वहाँ पे एक मेड है नौकरानी है मिसेस मेडलॉग भी वहीं पर एक सर्वेंट है डकॉन डायकॉन वहाँ का एरन बॉय है एरन बॉयज होते हैं जैसे वो चपरासी नहीं होते कोई जगह किसी जगह से कुछ सामान लेकर आना है कुछ देकर आना है तो डायकन वही है एंड द लास्ट इज़ बेन वेल्थेयर स्टाफ ये एक पुराने माली हैं वहाँ के तो बेसिकली ये हमारी स्टोरी के करेक्टर्स हैं नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी एवरी मॉर्निंग वॉज द सेम एट मिसल त्वेथ मैनर मार्था कैम टू मैरीज रूम एंड बॉट मैरी हर ब्रैकफास्ट मैरी हैड नो बुक्स सो एवरी डे शी रैन इन टू द गार्डन हर सुबह सेम ही होती है मिसल त्वेथ मैनर में मारथा जो है वो डेली मैरी uh, के लिए खाना ले नाश्ता लेकर के जाती है और मैरी के पास कुछ किताबें भी नहीं हैं तो इसीलिए वो सारा दिन बाहर बगीचे में घूमती रहती है द वेदर वॉज कोल्ड एंड शी वॉकड क्विकली एंड टाइम्स रैन अबाउट मौसम बहुत ठंडा था तो कभी कभी वह तेज़ दौड़ती है तो कभी कभी वो धीरे धीरे चलने लगती है एवरी डे शी एट अ लिटल मोर ऑफ द फूड एट ब्रेकफास्ट टाइम वो रोज़ सुबह जो थोड़ा ज़्यादा खाती है अक्सर ब्रेकफास्ट में शी नेवर मेट एनी बॉडी टू टॉक टू ओनली द रोबिन वो किसी के साथ ज़्यादा बात बात नहीं करती है वाई डिडेंट मिस्टर क्रेवन लाइक दैट गार्डन शी आस्ट मराठा वन डे वो एक दिन पूछती है कि जो मिस्टर कैरवन है वो इनको ये बगीचा क्यों पसंद है मिसिज क्रेवन लव द गार्डन मराठा टोलडर क्योंकि उसे मराठा ने कहा था कि जो मिसिस केवन क्रेवन है वो बगीचे से बहुत प्यार करती हैं द वन डेज शी हैड एन एक्सीडेंट देअर एक दिन कोई एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे द नेक्स्ट डे शी डाइड अगले दिन वो वहाँ मर गई मिसटर क्रेवन वॉज़ वेरी अनहैप्पी जिसकी वजह से मिस्टर क्रेवन बहुत नाखुश हुए ही डजेंट वॉन्ट टू थिंिंक और टॉक अबाउट द गार्डन इसी लिए वो गार्डन के बारे में ना तो कुछ सोचना चाहते हैं ना उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं वी कॉन्ट टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स हेयर इसलिए हम कुछ ज़्यादा बातें इससे जुड़ी हुई नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी वाइफ की डेथ हुई थी मैरी लिसन टू द सैड स्टोरी एंड डिन नॉट आस्क एनी मोर क्वेश्चन मैनी ने मैरी ने ये दुख भरी कहानी सुनी और उसने और सवाल पूछने बंद कर दिए द विंड आउटसाइड वॉज मेकिंग अ लाउड नॉइस बाहर की हवाएँ बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी बाहर की हवाओं से शी लिसन मोर केयरफुल उन्होंने उसने और ध्यान से सुना शी कुयर समथिंग वॉज इट्स सम्बडी क्राइम उसने कुछ ऐसा सुना कि जैसे बाहर कोई रो रहा है जब उसने बाहर की हवाओं की आवाज़ें सुनी तो उसने उसको और ध्यान से सुना तो उसने सुना कि ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर कोई रो रहा है कैन यू हेयर एनी थिंग शी आस्ट माठा तो वो मार्था से पूछते कि आपने कुछ सुना माठाज फेस वेंट रेड नो शी सेड इट्स ओनली देंड उस मार्था का चेहरा लाल हो गया लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं उसने कुछ नहीं सुना ये तो सिर्फ हवा की आवाज़ें ही हैं नो सेड मैरी लिसन इट इज द विंड इट इज़ इन द हाउस इट इज़ आई थिंक इट्स अ चाइल्ड तो वो कहते कि नहीं नहीं आप ध्यान से सुनो ये हवा की नहीं ये किसी बच्चे की आवाज़ है फार अवेज समबडी क्लोज अ डोर बहुत दूर किसी ने एक दरवाज़ा बंद किया इट वॉज़ द वंड सेड मार्था तो मार्था कहती है कि देखो ये दरवाजे की आवाज़ भी हवा की वजह सी थी हवा की आवाज़ें हैं दैक्स्ट डे इट रेंड एंड मैरी कुड नाट गो आउट इन टू द गार्डन अगले दिन बारिश हुई जिसकी वजह से मैरी बाहर गार्डन में नहीं गई शी स्टार्टिड टू लुक एट सम आउटर रूम्स इन मिसल्थ वेथ मैनर तो वो उसने क्या किया जो और कमरे थे मिसल वेत मैनर के उसकी तरफ देखने लगी मिसिज मैडलॉक वॉन्टेड हर टू स्टे इन हर रूम बट मैरी हैड नथिंग टू डू लेकिन उसे मिसिज मैडलॉक थी वो हमेशा चाहती थी कि मैरी सिर्फ अपने कमरे में ही रहे लेकिन उसके पास कुछ खास करने के लिए नहीं था अपने कमरे में बैठ के द रूम्स वर इंटरेस्टिंग बट देयर वर नो पीपल इन दैम वो कमरे उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग से लग रहे थे लेकिन उसमें कोई भी नहीं था कोई लोग नहीं थे she opened a lot of doors and looked inside. उसने बहुत सारे दरवाजे खोले कमरों के और अंदर की तरफ़ देखने लगी Everything was a very quiet. सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत था आई एम टायर्ड शी थाट एंड टर्न टू गो बैक इन टू हर उसको ऐसा एहसास होता है कि वो थक गई है और वो वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगती है देन शी हेड समथिंग फिर उसे अचानक कोई आवाज़ सुनाई देती है समथिंग इज़ क्राइंग अगेन दोबारा उसे रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं इट इज़ अ चाइल्ड शी सेड इट इज इन दंड वो कहती है कि ये तो बच्चे की आवाज़ ही है अब ये कोई हवा की आवाज़ नहीं है देन मिसिज डेडलॉक ओपन द डोर एंड केम आउट वट आर यू डूइंगेयर तो इतने में मिसिज़ डेडलॉक आ जाती हैं दरवाज़ा खोलते हैं उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो शी आस्ट मैरी यू मस्ट स्टे इन योर रूम वो गुस्से से मैरी को कहती कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपने कमरे में रहना है आई हैड समबडी मैरी आई हैड अ चाइल्ड वो कहती मैंने किसी को सुना मैंने एक बच्चे की आवाज़ को सुना मैरी कहती है नो यू डिडेंट सेड मिसिस डेड लॉक एंगरली वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तुम चुप रहो वो गुस्से से बोलती हैं नाउ गो बैक टू योर रूम जाओ अपने कमरे में वापस जाओ एंड डोंट कम हेयर अगेन और दोबारा यहाँ मत आना टू डेज लेटर मैरी ओपन हर आइज एंड सैटअप क्विकली दो दिन बाद मैरी ने अपनी आंखें खुली और वो फटाफट बैठ गई द स्काई वॉज ब्लू इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल डे उस दिन आसमान पूरे तरीके से नीला था और बहुत ही सुहाना दिन था द स्प्रिंग्स कमिंग सेड मार्था वो कह स्प्रिंग आने वाली थी मार्था कहती है डिकन विल बी आउटसाइड ऑल डे विद हिज एनिमल्स डिकन जो था वो सारा दिन बाहर अपने जानवरों के साथ रहता था आई डोंट नो द स्काई वॉज ब्लू एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे वो देखती है कि बहुत सुहाना दिन है और जो डिकन है वो बाहर अपने जानवरों के साथ है तो वो कहती है कि मेरे को डिकन बहुत अच्छे लगते हैं हालांकि मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती तो इतने में मार्था कहती है कि हाँ डिकन को सब पसंद करते हैं लेकिन मैरी कहती है कि नहीं नो बॉडी लाइक्स मी लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं करता दैट्स बिकॉज यू डिडेंट लाइक एनी बडी सेड मार्टा मार्टा उसे कहती है क्योंकि तुम किसी को पसंद नहीं करती मैरी रैन इन टू द गार्डन एंड सॉ बेन वेदर स्टाफ मेरी गार्डन में जाती है और बेन को देखती है स्प्रिंग्स कमिंग ही सेड सून यू विल सी सम्लावर्स तो वो कहती है कि अब वो कहता है कि अब स्प्रिंग का जो मौसम है वो आने वाला है अब जल्दी तुम्हें बहुत सारे फ्लावर्स मिलेंगे देखने को द रोबिन फ्लू अप सैट नियर दैम एंड स्टार्ट टू सिंग इतने में रोबिन एक पक्षी है उनके पास आके बैठ जाता है और गुनगुनाने लगता है विल देयर बी फ्लावर्स इन द रॉबिन गार्डन मैरी आस्ट तो मैरी कहती है अब क्या रोबिन के बगीचे में फूल भी आएंगे विच गार्डन इज़ दैट आस्ट बेन तो गार्डन बैन कहता है कौन सा गार्डन द ओल्ड गार्डन द गार्डन विद नो डोर तो वो कहती है वो पुराना गार्डन जिसका कोई दरवाज़ा नहीं है आस्क हिम सेट बेन एंगरली नो बडी नोस बेन बिगेन टू वर्क अगेन एंड मैरी वॉकड अवे तो वो बेन उस पर गुस्सा करने लगता है और वहाँ से चला जाता है और मैरी भी वहाँ से चली जाती है शी अलॉ वॉकड अलोंग द वॉल ऑफ द सीक्रेट गार्डन वो वो उस खुफिया बगीचे के इर्द गिर्द चलती है देन शी स्टॉप एंड सॉ द रॉबिन फॉलोइंगर और फिर वो रुकती है और वो देखती है कि जो रोबिन जो पक्षी है वो इसका पीछा कर रहा है द रॉबिन स्ट स्टॉप एंड लुकड एट मैरी रॉबिन रुकता है और मैरी की तरफ देखता है वैन शी लुक डाउन शी सॉ समथिंग ऑन द ग्राउंड जब वो रुकती है तो वो कुछ देखती है तो देखती है कि जो ग्राउंड पे बिग ओल्ड की एक बहुत बड़ी पुरानी चाबी है शी टुक द की एंड लुकड एट इट वो चाबी को उठाती है और उसे देखने लगती है पर हैप्स शी था इट्स द की टू दीक्रेट गार्डन और वह सोचने लगती है कि ये चाबी सीक्रेट गार्डन की है So, this is all about the chapter. So, I hope you enjoy the story that the secret garden. Okay. So, try to solve the questions and read the chapter carefully.